मैं दौड़ूंगा तो गिरूंगा भी, मैं तैरूंगा तो डूबूंगा भी, तैराकी भी कराऊंगा, उखरी में मुरी दूंगा तो समाज से कितना डरूं। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक में बात करता हूं। सुरक्षा ना सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं झारखंड की जनता की सेवा के लिए खड़ा हूं। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने, क्या होगा, दायित्व तो सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आज ही से कहा, जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व तो नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार, जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, जो लोग धमकी देते, मैंने समय समय पर डीजी साहब को, चार चार एसपी को मैंने वो बात बता दी, कह दिया। मुझे लगा इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं। हमने आईजी से दो दो बार बातचीत की, तब सत्ता में नहीं हूं इसके लिए हमें मर जाना चाहिए या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, मुख्यमंत्री जी सत्ता वाले लोगों को समय देंगे, गैर सत्ता वाले से मिलेंगे भी नहीं। ज्यादा इस रूप में नहीं लेता हूं कि जब मैं दौड़ूंगा तो गिरूंगा भी, मैं तैरूंगा तो डूबूंगा भी, तैराकी भी कराऊंगा, उखरी में मुरी दूंगा तो समाज से कितना डरूं। आप हमें बताओ ना, घर भी ढुकेंगे, जांग भी कांपेगा, तो ये स्वाभाविक है। बचपन से मैंने झेले हैं, मैंने देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई में, सामाजिक व्यवस्था में कई तरह के उतार चढ़ाव। कहावत है, कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखा जा। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक मैं बात करता हूं। गाना नहीं है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा ना। सुरक्षा ना सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं झारखंड की जनता की सेवा के लिए खड़ा हूं, लड़ रहा हूं। हेमंत सोरेन जी झारखंड का बेटा है, लगातार यातनाएं दी गई, मारने का प्रयास उन्हें किया गया। शेरनी की तरह मेरी बेटी कल्पना सोरेन उठी, और मुझे लगता है कि आज आम लोगों की आवाज बन चुके हैं। देश के हित में झारखंड महागठबंधन के लिए मैं यहां काम कर रहा हूं, अपने कर्तव्यों का काम कर रहा हूं। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने, क्या होगा, दायित्व तो सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आज ही से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से, मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के। जिन लोगों को कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, दायित्व तो नहीं है, जो सत्ता के साथ रहेंगे, जिनको सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग जेट देंगे, सब कुछ देंगे, बाबा को देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार, जिस व्यक्ति को एक ट्वीट के कारण, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, जो लोग धमकी देते हैं। मैंने समय समय पर डीजी साहब को, चार चार एसपी को मैंने वो बात बता दी, कह दिया। मुझे लगा इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाय तोबा मचाने की जरूरत नहीं है। और इतनी धमकी के बावजूद मैं बम्बई गया था, मैं सलमान जी से मिला, बात की मैंने। उस दिन रात में डिनर था मेरा, मैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिला, फिर हम आए। तो ये सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत काम है, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए, दुख के घड़ी में रहना चाहिए। तो हम तो नहीं डरे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम बम्बई भी गए, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं, कल बिहार में जो घटना घटित हो रही है वहां भी जा रहे हैं।
तो हमने तो पूर्णिया में भी, पूर्णिया एसपी, कटिहार एसपी, मधेपुरा एसपी, आईजी, डीजी, हमें जब खबर मिली इस नंबर से लोग आए हुए हैं विभिन्न जगहों पर, हमने नंबर तक दिया, हमने आईजी से दो दो बार बातचीत की। तब सत्ता में नहीं हूं इसके लिए हमें मर जाना चाहिए या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? मुख्यमंत्री जी सत्ता वाले लोगों को समय देंगे, गैर सत्ता वाले से मिलेंगे भी नहीं। तो कम से कम बिहार सरकार इतना बेशरम तो ना हो कि आप, और भारत सरकार से, गृह मंत्री जी से भी मैंने बातचीत की। क्या लेटर लिखा गृह मंत्रालय में? मैं बातचीत तक किया था सुरक्षा को लिए, फोन आए उनके, मैंने उस पर बातचीत भी की अमित शाह जी से, फिर पत्र भी लिखा। तो सत्ता के साथ आप नहीं हैं तो आप मरिए, श्रद्धांजलि बाद में दे दी जाएगी। अब नीतीश बाबू तो किसी से मिलते ही नहीं, उन्हें तो मिलने ही नहीं दिया जाता, घेर के रख दिया गया है। नीतीश जी से ये जो जमीन माफिया है, गलत लोग हैं, पप्पू यादव जैसे सच्चाई वाले लोगों को मिलने ही नहीं दे। और उनके चीफ सेक्रेटरी कहते हैं दीपक बाबू की सुरक्षा के लिए आपको नीतीश जी से मिलना होगा। मैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन करता हूं तो वो कहते हैं कि मैं कह दिया हूं हम, मैंने तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन कर किया कि भैया मुझे मारने की साजिश की जा रही है, तो कहां अनसुनी, सबने अनसुनी कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बावजूद ना तो केंद्र सरकार गंभीर हुए सुरक्षा के प्रति, तो मुझे चिंता नहीं है। मैं तो आग्रह हाथ जोड़ के करूंगा, आप सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है तो आप कह दीजिए, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगा। सलमान खान के प्रकरण के बाद जब उन पर आपने उनके बारे में बातें की, उनकी नजदीकी आपने जाहिर की, उसके बाद से धमकी आने लगी? देखिए, सलमान खान की बात नहीं है या बाबा सिद्दीकी की बात नहीं है, ना किसी गैंग की बात है। मैंने स्वाभाविक रूप से एक ट्वीट किया कि देश, संविधान, लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। कानून सबसे बड़ा, संविधान सबसे बड़ा, उससे बड़ा यदि कोई भी सरकार किसी को बनाता है तो वो गलत है। बस मेरी, मैं फिर कह रहा हूं, ना मेरी किसी से निजी दुश्मनी है, ना मुझे किसी के गैंगवार से लेना देना है। संविधान और कानून और लोकतंत्र की बात आएगी तो मैं वैचारिक बात करूंगा। अब मेरी, मुझे मरना ना मरना तो भगवान के हाथ में है, अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में है। सरकार मुझे मारना, मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती, तो सरकार जाने। इतने समय समय पर वीडियो ऑडियो देने के बावजूद एक भी एसपी, एक भी डीआईजी, आईजी ने एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी, तो इसका मतलब साफ है कि वो श्रद्धांजलि देने आएंगे।